दोस्तों दक्षता एग्ज़ाम 2023 रिवीजन टेस्ट उर्दू टीचर के लिए जो हमने तैयार किया है उसके सेट वन के 100 सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक कुल 100 सवालात उर्दू शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा 2023 का टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप दक्षता परीक्षा के अलावा दूसरे किसी भी एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, विशेष रूप से ऑल टीचिंग एग्जाम की, तो आप हमसे कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे सीईटी बीएड हो, चाहे डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट हो, हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आइए बगैर किसी देरी के हम चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहला सवाल है, शाहजहां की बनाई गई इमारतें कौन है। शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनाई, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, इसी तरह दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उसकी पैदाइश कब हुई। गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को होती है। जैन में सही तलफ़ की पहचान कीजिए, सफाई लिखा हुआ है लेकिन सफाई का जो सही तलफ़ होता है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे हो उसे मुसद्दस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लकब नबी रहमतुलिल आलमीन, हमारे नबी पाक का लकब था रहमतुलिल आलमीन, इसका मतलब होता है कि नबी पाक सारे आलम के लिए रहमत हैं, चाहे वो दुनिया हो आखरत हो, चाहे कोई भी मजहब के लोग हों, किसी भी दुनिया के लोग हों, सबके लिए ये रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अगला सवाल है, किसी मौजू पर ख्यालात और महसूसात क्या है। किसी भी मौजू पर आप अपने ख्यालात और महसूसात को इकट्ठा करते हैं तो वो मजमून कहलाता है। दर्द ज़ैल में मोहम्मल है, मौजू कहते हैं मानादार अल्फाज को, मोहम्मल कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिसका कोई माना न हो। पाना, खाना, दाना, ये सब मानादार अल्फाज हैं, वाना जो है मोहम्मल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, बोल चाल में इस्तेमाल होता है लेकिन अकेला कोई माना नहीं रखता। अगला सवाल है, 8 नंबर, कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी की तामीर किस हुक्मरान ने कराई थी। कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर, दर्द ज़ैल में मुज़क्कर कौन है। मुज़क्कर कहते हैं मेल को, मुअन्नस कहते हैं फीमेल को। किसी भी हरूफ को, लफ्ज़ को जब आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कर सकते हैं। शिकार जो होता है मुज़क्कर होता है, शिकार भाग गया, शिकार का शिकारी को इंतज़ार है, ये सब मुज़क्कर की पहचान होती है। अगला सवाल है, 10 नंबर, ऐसे अल्फाज जिसके ज़रिए सवाल दरियाफ्त किया जाए तो इस तरह का सैम्बोल का इस्तेमाल करते हैं। ज़ैल में लायका की मिसाल क्या है। लायका लफ्ज़ के बाद में लगकर एक नया लफ्ज़ बनाता है, लायका की मिसाल हो जाएगा कलमकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने से पहले सोचिए समझिए, ये एक नारा है। ऐसे नारे तब लगाए जाते हैं जब इलेक्शन होने वाला हो, इलेक्शन के इश्तिहार पर इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर, ज़ैल में सही तलफ़ुज की पहचान कीजिए। तस्तरी लिखा हुआ है 4 जगह लेकिन केवल और केवल एक जगह सही है। तस्तरी तो से होगा, शीन आएगा फिर तेरे, ये हरूफ की सही तरतीब पहचानना है। हरूफ की जो सही तरतीब है उसमें सबसे पहले अलिफ आता है, उसके बाद ऐन आता है, उसके बाद गैन आता है, उसके बाद गाफ आता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। ज़ैल में कहानी की कदीम किस्म है। कहानी की जो कदीम किस्म है वो दास्तान है, ये काफ़ी पुरानी कहानी है। अगला सवाल है, 16 नंबर, फतह की जिद बताएं। फतह का उल्टा होता है शिकस्त। फतह मन जीतना, शिकस्त मन हारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल की तामीर किसने कराई थी। पंचमहल की तामीर अकबर ने कराई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग बाग होना का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना। हमारे मुल्क का कौमी परिंदा है, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा मोर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब के माना नहीं है। शब को रात कहते हैं, लैल कहते हैं, ईशा कहते हैं, लेकिन दिन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकमान हकीम ने किसान को गेहूं बोकर जौ काटने की नसीहत दी थी, ऐसा क्यों? लुकमान हकीम ने किसान को कहा था कि तुम गेहूं बोओ, उन्होंने गेहूं बोआ, फिर कहा जौ काटो। किसान हैरान हो गया कि जब हमने गेहूं बोया तो जौ कैसे काटेंगे। तो लुकमान हकीम ने कहा कि तुम जरा सोचो, तुम गुनाह में और बदी में मसरूफ रहकर भी खुदा से ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें जजाए खैर देगा, क्या ये मुमकिन है? उसकी आंखें खुली और उसने सोच लिया कि जब गेहूं बोकर जौ नहीं काट सकते तो गुनाह और बदी में मसरूफ रहकर खुदा से जजाए खैर की उम्मीद नहीं रख सकते। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगी को गांव वालों ने मीठी सारंगी कहा, इसका क्या मतलब है? ये जो क्वेश्चन है आपके निसाबी किताब से भी दिए गए हैं। गांव वालों ने सारंगी को मीठी सारंगी कहा, ऐसा इसलिए कि सारंगी से निकलने वाली आवाज बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसे मीठी सारंगी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस शहर में वाक़ है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में वाक़ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे तजारती इदारा हो, यानी सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मेहनत का फल कैसा होता है? जब आप मेहनत करेंगे तो आप इसका बेहतर फल पाएंगे, मेहनत का फल मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि बछड़ा गाय के लिए है वैसे ही बकरी के लिए है, बछड़ा जो होता है वो गाय का बच्चा होता है, इसी प्रकार बकरी के बच्चे को आप लैम्ब यानी मेमना कह सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 27 नंबर, मोची जो होता है वो चमड़े पर काम करता है, दर्जी किस पर काम करता है? दर्जी जो होता है वो कपड़े पर काम करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब को आप शेल्फ में क्यों रखते हैं? किताब को शेल्फ में इसलिए रखा जाता है कि वह महफूज रहे, इसी प्रकार कपड़े की हिफाजत के लिए आप अलमारी का इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 29 नंबर, दर्ज ज़ैल अल्फाज में ताक को मुंतखब कीजिए, ताक का कहते हैं जो तीनों से अलग हो, यानी जो सबसे अलग हो, अलग थलग कौन है? मुरब्बा फिट, मुरब्बा जर, मुरब्बा इंच, मुरब्बा मीटर, ये जो तीन देख रहे हैं ये सब लंबाई का स्क्वायर है, चाहे वो इंच का स्क्वायर मुरब्बा इंच हो गया, सब के सब लंबाई को मापते हैं, लंबाई की पैमाइश करते हैं, लेकिन जड़ जो है ये अंकों की पैमाइश है, अदद की पैमाइश है, यानी बी जो है वो तीनों से अलग है। अगला सवाल है, दर्द ज़ैल अल्फाज में ताक को मुंतखब कीजिए, समुंदर हो, चाहे कुआं हो, चाहे झील हो, ये सब जमीन पर होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, कुदरती होते हैं, लेकिन टैंक जो है इंसानों द्वारा बनाया गया है, ये एक डब्बे के शक्ल का होता है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। अगला सवाल है, 31 नंबर, राजू ने एक खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे बाप की इकलौती बहन की बेटी है, यानी खातून की तरफ इशारा कौन कर रहा है? राजू। खातून जो है राजू के बाप के इकलौती बहन यानी फूफी की बेटी, फुफेरी बहन है, तो उस खातून से राजू का ताल्लुक क्या हो गया? इसे आप कजिन यानी चचेरा, फुफेरा, खिलेरा, ममेरा बहन कह सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 32 नंबर, आलिया जो है लड़कियों की कतार में दोनों सिरों से 11वें नंबर पर है, इस कतार में कितनी लड़कियां है? यानी आलिया का जो पोजीशन है वो दोनों सिरों से 11वें नंबर पर है, आलिया के ऊपर 10 लड़की, आलिया के नीचे 10 लड़की, आलिया जो है इधर से भी 11, इधर से भी 11 है, तो कुल कतार में लड़कियों की तादाद कितनी है? 10, 10, 20 और 1, 21। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल है 33 नंबर, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है। यहाँ पर जो है श्वेता को दीप्ति से छोटा कहा गया है, यानी दीप्ति जो है श्वेता से भी बड़ी है और श्वेता जो है सीमा से बड़ी है, यानी सबसे बड़ी लड़की हो जाएगी दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को थैली, थैली को लोगत, लोगत को खिड़की, तो किताब उठाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? किताब आप थैली में उठाते हैं और यहाँ थैली को लोगत कहा गया है, इसलिए किताब उठाने के लिए आप लोगत का इस्तेमाल करेंगे, डिक्शनरी का यूज करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 35 नंबर, एक लड़का है अहमद, वो 5 किलोमीटर जुनूब की जानिब जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, दोबारा दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? इसको हम इस तरह डायग्राम बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले जुनूब की जानिब जा रहा है 5 किलोमीटर, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दोबारा वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं की ओर मुड़ जाता है, बाएं की ओर जब मुड़ता है फिर 5 किलोमीटर चलता है, यानी वो यहाँ 3 किलोमीटर चला और यहाँ 5 किलोमीटर चला, उसने अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी तय किया है? 5, 3, 8 किलोमीटर दूरी तय किया है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 36 नंबर, जो ताल्लुक तालिब इल्म का स्कूल से है, वही ताल्लुक मरीज का कहां से हो सकता है? तालिब इल्म स्कूल में जाता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, मरीज जो है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अस्पताल में जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटा जाविया एक मुसलस का जाविया है, यानी मोटा जाविया उसे कहते हैं जिसका वैल्यू 180 से ज्यादा हो। एक मोटा जाविया मुसलस का जाविया 90 डिग्री होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है, इसमें बड़ा और छोटा देखना है, सबसे छोटा जो हो जाएगा वो 3.05 होगा, क्योंकि 0.5 जो होता है 15, 50, 55 से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, 1/7 और 2/5 को आपस में जोड़ना है, आप जोड़ने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 5 + 5 = 7 × 14, 14 × 5 = 19/35। सही जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 किस नंबर का मुरब्बा नंबर है? मुरब्बा उसे कहते हैं जिसे आपस में गुना करने पर हासिल होता हो। 10 को 10 से जब गुना करते हैं तो 100 आता है, यानी मुरब्बा नंबर 100 का 10 हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर, सबसे छोटी मुकम्मल अदद है। मुकम्मल अदद उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होता हो। सबसे छोटी मुकम्मल अदद पूर्ण संख्या होल नंबर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अदद जिसे 2 से तकसीम किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जो 2 से तकसीम हो जाए उसे इवन नंबर, जफ्त नंबर कहते हैं, सम संख्या कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक ही रेदास के दायरे का रकबा नीम दायरे के रकबे के डैश बराबर होता है, यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, अगर इसका जो दायरा है एरिया है अर्धवृत्त के एरिया का कितना गुना होता है? अर्धवृत्त के एरिया का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का मतलब है आधा वृत्त, वृत्त का जो दायरा सेम ही होगा, रकबा सेम ही होगा, क्योंकि ये जो है ठीक आधा है, नीम का मतलब होता है आधा। मुंदरज ज़ैल में कौन सा दुरुस्त है? बड़ा और छोटे का निशान पर गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप ऑप्शन ए पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 1991 जो है छोटा है 9191 से। सही जवाब ऑप्शन ए। 25/500 को एशारिया में डेसिमल में तब्दील करना है, आप 5 से 25 को भाग देंगे 5 बार में कटेगा, अब 5 से 1
से भाग देने की जरूरत है 100 से 5 को। नीचे 00 है इसलिए दशमलव डबल डिजिट के बाद आएगा, यानी 0.05 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर, अगर दाएं जाविया मुसलस का एक जाविया 30 डिग्री है तो दूसरा जाविया क्या होगा। दाएं जाविया मुसलस कहते हैं ऐसा मुसलस जिसका एक जाविया 90 हो, दूसरा 30 है तो तीसरा क्या होगा। आपको पता होगा कि जाविये के जो तीनों होते जाविये होते हैं किसी भी मुसलस के, उसका जमा 180 होता है। जब 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 9 × 3 = 12 120 आता है, कम पड़ गया 60, क्योंकि 60 जोड़ने पर 120 में 180 आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 47 नंबर, x की कदर 1/2 बराबर x/2 में तलाश करें। आप देख पा रहे होंगे नीचे दो डिनोमिनेटर जो है एक दूसरे से कट जाएगा, x/1 आता है। अगला क्वेश्चन है जिस के आदादो शुमार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यकसा हो क्या कहलाता है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर हो तो ऐसी आकृति को क्यूब कहते हैं। ये जो शेप आप देख रहे हैं क्यूब लगभग ऐसा ही होता है। अगला सवाल है 5555 को नंबर में लिखे। हमने नंबर में लिखने के लिए 5000 को लिखा, फिर 500 को लिखा, फिर 55 लिखा, यानी 5555। अगला सवाल है 50 नंबर, मुंदरदा ज़ैल में कौन सा सऊदी तरतीब है। सऊदी तरतीब का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी को, उसके बाद उससे बड़ी को, उसके बाद सबसे बड़ी को, बढ़ते क्रम में लिखना ही सऊदी तरतीब कहलाता है। अगला सवाल है मुंदरदा ज़ैल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन सोडियम एक ऐसा धात है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। बाकी जो धात की खूबी होती है कि वो काफी कठोर होता है। आप लोहा को देखिए, आयरन को देखिए, सोना को देखिए, चाकू से काटना इसे पॉसिबल नहीं। परिंदे जो होते हैं अपने घोंसले इसलिए बनाते हैं ना कि वो बारिश से बच सके, ना सर्दी बेस से बच सके, ना बच्चों की परवरिश करे, बल्कि घोंसले सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहौलियात और माहौलियात का हयातियाती जुज़्व क्या होता है। माहौलियात का जो हयातियाती जुज़्व होता है वो नबातात होता है। अगला सवाल है 54 मुंदरदा ज़ैल में कौन सा फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं जो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये जो कोयला है जीवाश्म ईंधन है, जमीन के नीचे से हासिल होता है, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है 55 नंबर, माहौलियात और माहौलियात का जिस्मानी जुज्व क्या है। माहौलियात का जिस्मानी जुज्व जो होता है वो बहता हुआ पानी होता है। अगला सवाल है दहन के अमल के लिए ज़ैल में कौन सी शराइत ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ को आप जलाना चाहते हैं तो शर्त यह है आतिशगीर मादे की मौजूदगी, ऐसे चीज़ का होना चाहिए जो जलने के काबिल हो। मादे में एग्निशन दर्जे हरारत का उसूल, यानी एक टेम्परेचर भी होना चाहिए जिस पर कोई जलता है। और तीसरी चीज है हवा की मौजूदगी। हवा की मौजूदगी में ही कोई चीज जलता है। आप जलती हुई मोमबत्ती को ढक देंगे हवा की कमी से, वो भुत जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हयातियात और माहौलियात के बाहमी ताल्लुकात के मुताले को क्या कहते हैं। हयातियात और हयातियात के बाहमी ताल्लुकात के मुताले को इकोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है 58 माहौलियाती मसला की एक मिसाल है। माहौलियाती मसला की मिसाल ओजोन की तह में कमी भी है, तेजाबी बारिश भी है, सब्द सयारे का असर भी है। सही जवाब हो जाएगा मुंदरदा बारा सभी। अगला सवाल है 59 माहौलियाती इन्हितात की इंसानी वजह क्या है। माहौलियाती इन्हितात की इंसानी वजह आबादी का धमाका है, जंगलात की कटाई है, शहरकारी है, यानी मुंदरजा वाला तमाम सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, 60 नंबर मुंदरदा जहर में कौन सी गैस हवा को सबसे ज्यादा आलूदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है हवा को सबसे ज्यादा आलूदा करती है। अगला क्वेश्चन है, अगर बैलों के जरिए गाड़ी को खींचा जाए तो ये ताकत कौन सी मिसाल है? बैलों के जरिए गाड़ी को खींचना ये अजलाती कुव्वत मांसपेशीय बल कहलाता है। फजाई आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है? 62 नंबर सवाल है, अगर आप फजाई आलूदगी को कम करना चाहते हैं तो आप दरख्त का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? फूड चेन की जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो आला सारिफ होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 64 नंबर, एक गैर धातु जिसमें चमक होती है उसकी मिसाल दीजिए। यानी गैर धातु में अक्सर चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी गैर धातु है इसमें चमक होती है। अगला सवाल है, 65 नंबर, मुंदरदा जैल में से कौन बेहतर आतिशगीर मादा है? यानी ये जो मिसाल दी गई है 4 की, इसमें सब के सब पानी में जलने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर में सबसे बेहतर आतिशगीर मादा पेट्रोल है। यह काफी तेजी से जलने लगता है बाकी 3 के मुकाबले। अगला सवाल है, 66 नंबर, सबाखोर जानवर किस जुमरे में आते हैं? सबाखोर जानवर उसे कहते हैं जो सब कुछ खाते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे किसी को भी वो खा लेंगे। इसे हर्बीवोरस सर्वाहारी कहा जाता है। इसे जो है सानवी सारिफ के जुमरे में रखा गया है, जिसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता सानवी सारिफ इसलिए कहते हैं कि ये सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाते हैं, फिर बुनियादी सारिफ को खाते हैं, फिर उसे खाते हैं जो बुनियादी सारिफ को खाते हैं। अगला सवाल है, 67, मुंदरदा जल में कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा कैलोरी देता है? हाइड्रोजन ईंधन जो होता है LPG मिट्टी के तेल सबसे ज्यादा कैलोरी देता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसकी जो गर्मी है, जलन है, वो काफी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, 68, किस जुमरे में बैक्टीरिया शामिल है? बैक्टीरिया को आप किस जुमरे में शामिल करेंगे, वो डीकम्पोजर के रूप में आप शामिल कर सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ रद्द अमल जाहिर करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम और पोटेशियम जो होता है काफी क्रियाशील होता है, यह ठंडे पानी के साथ क्रिया करता है, रद्द अमल करता है और धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 नंबर, मोटर कार से पैदा होने वाली आलूदगी जो दिमागी बीमारी का सबब बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है लेड कहते हैं। लेड से ही प्रदूषण पैदा होता है जो दिमागी बीमारी का सबब बनती है। अगला क्वेश्चन है, 71 नंबर, बल यानी फोर्स क्या कर सकती है? किसी भी चीज को जब आप धक्का देंगे तो ऑब्जेक्ट की शक्ल में तब्दीली होगी, रफ्तार बढ़ जाएगा, रफ्तार कम भी हो सकता है। यानी बल के अंदर वो खूबी होती है कि वो सभी के सभी रद्द अमल को जाहिर करता है। अगला सवाल है, 72 नंबर, फजाई आलूदगी की वजह क्या है? फजाई आलूदगी की जो वजह है वो धुआं है। धुआं से फजाई आलूदगी होता है, हमारी फिजा में गंदगी फैलती है। अगला सवाल है, 73 नंबर, माहौलियाती तहफ्फुज़ का आलमी दिन कब मनाया जाता है? माहौलियाती तहफ्फुज़ का आलमी दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब ये हुआ कि किसकी आवाज पतली होती है। छोटी लड़की जो होती है उसकी आवाज काफी पतली होती है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से। इसके बाद बारी आती है छोटा लड़का की, फिर औरत की, फिर मर्द की। अगला क्वेश्चन है, 75 नंबर, नेपाल का नया सदर किसे मुंतखब किया गया? रामचंद्र पुंडेला को नेपाल का नया सदर मुंतखब किया गया है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा सदर कौन है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा सदर है द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, 77 नंबर, यौमे बिहार कब मनाया जाता है? 22 मार्च को।
अगला सवाल है 78 नंबर, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किस रियासत में शराह खानदगी सबसे कम है? शराह खानदगी का मतलब होता है लिटरेसी, साक्षरता, कम पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा हमारे बिहार में हैं, यानी हमारे बिहार की शराह खानदगी सबसे कम है। अगला सवाल है बिहार का रियासती फूल क्या है? बिहार का रियासती फूल मेरी गोल्ड गेंदा है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है दीन दयाल अंत्योदय योजना ये महारत की तरक्की शोबे से वाबिस्ता है। अगला सवाल है 81 नंबर, जबान की तालीम के तनाजर में डैश जो उस्ताद के लिए सबसे अहम है? जबान की तालीम के तनाजर में जबान इस्तेमाल करने के मजीद मौके फराहम करना एक उस्ताद के लिए अहम होता है। अगला सवाल है 82 नंबर, कौन सा सवाल क्लासरूम में कसरुल लिसानी को फ़रोग देता है? कसरुल लिसानी को फ़रोग देने वाला एक ही सवाल है, फूलों की जबान। कसरुल लिसानी को फ़रोग देने के लिए आप जो है बच्चों को कह सकते हैं कि फूलों के नाम आप अपनी जबान में लिखें। क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबकी जबान अलग अलग है, यानी वो फूलों के नाम भी अलग अलग जबान के इस्तेमाल में लिखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है 83 नंबर, कौन सा बयान जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के उसूलों के खिलाफ है? जामे क्लासरूम उसे कहते हैं जिसमें हर तरह के तलबा मौजूद हो, इसलिए जरूरी है कि ग्रामर के उसूल सिखाने से बच्चों की जबान की नशो नुमा में तेजी आएगी, यह गलत है। एक नजरिया दिया था कि जरूरत की दर्जा बंदी की तजवीज की गई थी, यह जो नजरिया देने वाले साइकोलॉजिस्ट थे उसका नाम था मास्लो। 85 नंबर क्वेश्चन है, डैश ने इस्तमाई लाशऊर का तस्वूर दिया, इस्तमाई लाशऊर का तस्वूर किसने दिया? वो साइकोलॉजिस्ट जंग थे। 86 नंबर सवाल है, बच्चों में जबान की महारत पैदा करना जरूरी है? बच्चों में जबान की महारत पैदा करना इसलिए जरूरी है कि उन्हें सुनने और बोलने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 87, उर्दू क्लास में गैर उर्दू बोलने वाले बच्चे को अक्सर उर्दू सीखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसा इसलिए कि उर्दू और उनकी मादरी जबान में अक्सर फर्क होता है। अगला सवाल है 88, ऑपरेट किंडेशिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? इस थ्योरी को देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो स्किनर थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 89 नंबर क्वेश्चन है, आम बच्चे किस उम्र में बोलना सीखते हैं? आम बच्चे जो होते हैं वो 11 माह की आयु में उम्र में बोलना सीख जाते हैं। खेल एक सरगर्मी है, खेल को एक सरगर्मी कह सकते हैं या अपने लिए ही होता है। तालीम के तनाजर में सोशलाइजेशन सामाजिकरण का क्या मुराद है? माशरियत से मुराद होता है सामाजिक माहौल में मुआफ़कत और एडजस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है तदरीस की आमराना सतह है, तदरीस की आमराना सतह टीचर सेंटर होना चाहिए। अगला सवाल है उस्ताद का रवैया कैसा होना चाहिए? उस्ताद का रवैया एक मयारी होना चाहिए। अगला सवाल है क्लास 7 का एक तालिब इल्म है रियाजी में गलतियां करता है, बतौरे उस्ताद आप क्या करेंगे? क्लास 7 का तालिब इल्म मैथमेटिक्स में गलतियां करता है तो उसे कहेंगे कि आप जो है कोई दूसरा और तरीका इस्तेमाल करें, खुद गलती की तलाश करें और एक ही काम दोबारा करें। अगला सवाल है 95, IQ यानी जहन के बुनियाद पर तलबा की मुख्तलिफ ग्रुपों में दर्जा बंदी उसकी खुद एतमादी को घटाता है और उसकी तालीमी कारकर्दगी को भी असर रखता है। मतलब यह है कि आपके क्लास में बहुत सारे तलबा हैं, आप उसके जहन की बुनियाद पर ग्रुप में बांट देंगे तो जो कमज़ोर बच्चा होगा उसको ख़राब लगेगा कि हमें अलग क्यों बैठाया गया है, यानी उसके खुद एतमादी को घटा रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाएगा। लेकिन जो आपका मकसद है तालीम देना, बेहतर तालीम देना, ये बेअसर रहेगा। अगला सवाल है 96, रियोन का प्रोग्रेसोमीटर टेस्ट डैश टेस्टिंग की एक मिसाल है। रेवन का यह जो प्रोग्रेसोमीटर टेस्ट है यह IQ सकाफत टेस्टिंग की एक मिसाल है।
अगला सवाल है 97 जबान की तालीम का पहला दर्जा किसे समझा गया है। जबान की तालीम की शुरुआत घर से हो जाती है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम कहते हैं दोष या जज्बात में तब्दीली को। अगला सवाल है 99 किसी भी बच्चे की जहनी खराबी की वजह क्या है। किसी भी बच्चे की जहनी खराबी की वजह उसका खानदानी माहौल, क्लासरूम का माहौल, पड़ोस का माहौल, सबके सब होता है। अगला सवाल है 100 नंबर तालीम का मकसद क्या होना चाहिए। तालीम का मकसद तलबा को अमली जिंदगी के लिए तैयार करना असल मकसद है। आप जो बच्चे को तालीम दे रहे हैं जरूरी नहीं कि वो समाजी बेदारी का सबब बन जाए, इम्तिहान में वो कामयाब हो जाए, वो पेशा वाराना मराहत को फरोग दे, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने जिंदगी के हर पहलू में वो तालीम का इस्तेमाल करे, ये बेहतर कामयाबी होती है, बेहतर मकसद होता है। दोस्तों ये थे दक्षता एग्जाम रिवीजन टेस्ट के सेट 1 जो उर्दू असाजा के लिए इम्तिहान काबिलियत 2023 के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स आप हमसे हासिल कर सकते हैं, PDF हो या प्रिंटेड हो। आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव सेशन में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए CTET, CET, BED, DLED एंट्रेंस की तैयारी के लिए आप हमसे रابطہ करें। हमारा नंबर है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।